उत्तराखंड के खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भाई ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर खटीमा विधायक भुवन काबड़ी पर छात्र संघ चुनाव में हस्तक्षेप कर निजी राजनीतिक स्वार्थ हेतु माहौल बिगाड़ने एवं छात्र नेताओं को भड़काने का आरोप लगाया। रमेश जोशी ने पत्रकारों से कहा कि विधायक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए महाविद्यालय के छात्र नेताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे कि जो कल महाविद्यालय में घटना घटित हुई है और इसमें सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लोग कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो भी कल महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था निरस्त करने का किसी एक छात्र नेता का नामांकन को, तो वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं किया गया था। वो लिंगदोह समिति की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही यहाँ पे भी हुआ और रुद्रपुर में हुआ। पिछले वर्ष ये अल्मोड़ा में भी इसी तरीके के मुकदमे की वजह से उस छात्र नेताओं के नामांकन अगर खारिज हुए हैं तो उसमें सरकार को बदनाम करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घसीटना, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक हैं उनकी ओछी राजनीति का प्रतीक है और उनको खटीमा के विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना कि छात्र संघ की राजनीति में इन्वॉल्व हो करके खटीमा के माहौल को खराब करने की कोशिश करनी चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।